वेलकम टू माय चैनल वन विजन MBBS। आज हम बात करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। टू इम्पोर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है RB जीन्स एंड 53 जीन्स। RB जीन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे P53 जीन्स के बारे में। ओके, सो उसका नॉर्मल लोकेशन होगा शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 70, और जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं P53 प्रोटीन्स। ओके, एंड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मतलब जो नॉर्मल सेल साइकिल में G1S चेक पॉइंट होता है वहाँ पे साइक्लिन डी का फंक्शन होता है, साइक्लिन डी एंड CDK4 का फंक्शन होता है। साइक्लिन का फंक्शन क्या होता है कि वो सेल को आगे सेल साइकिल में प्रमोट करेगा, एंड सेल ग्रोथ के प्रमोशन के लिए साइक्लिन इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है P53 जीन्स, उसका नॉर्मल सेल में क्या फंक्शन है एंड कैंसर सेल में क्या फंक्शन है। ओके, सो व्हेन देयर इज अ DNA डैमेज बाय द केमिकल एंड आयोनाइजेशंस एंड एक्सेट्रा अदर टाइप्स, सो व्हेन देयर इज अ DNA डैमेज इट्स विल लीड टू द एक्सप्रेशन ऑफ P53 जीन्स। ओके, एंड इट विल लीड टू द इंक्रीज लेवल ऑफ P53 लेवल्स, इट्स इंड्यूस द कन्वर्जन ऑफ P53 इनटू द P21, और ये P21 ब्लॉक्स दी साइक्लिन डी एंड CDK4, सो यहाँ पे सेल अरेस्ट हो जाएगा एट द लेवल ऑफ G1 फेज एंड देर इज एंड प्रिवेंट्स सेल एंट्री इनटू द S फेज, सो इट्स प्रिवेंट सेल इनटू द S फेज एंड देर इज अ सेल साइकिल अरेस्ट एट द G1 फेज एंड इट्स ऑल्सो इंड्यूस द सम DNA रिपेयर जीन्स। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है GAAA45 जीन्स और DNA रिपेयर जीन्स, और DNA रिपेयर जीन्स का फंक्शन क्या होगा कि वो DNA को रिपेयर करेगा। ओके, एंड देर इज अ सेल साइकिल कंटिन्यू, और म्यूटेशन ज़्यादा होगा व्हेन देर इज अ DNA डैमेज, मतलब हाई लेवल ऑफ DNA डैमेज होगा, म्यूटेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे DNA रिपेयर नहीं हो सकता, और DNA रिपेयर ना हो पाने की वजह से यहाँ पे सेल का एपोप्टोसिस होगा बाय द बैक जीन्स। ओके, सो नॉर्मल फंक्शन क्या है P53 जीन्स का, व्हेन देर इज अ DNA डैमेज देर इज अ एक्सप्रेशन ऑफ P53 इच विल इंड्यूस द P21 लेवल, P21 ब्लॉक्स द साइक्लिन डी एंड CDK4, सो देर इज अ स्टॉपेज ऑफ अरेस्ट ऑफ सेल साइकिल एट द G1 फेज एंड इट्स प्रिवेंट सेल इंट्रू द S फेज। ओके, सो यहाँ पे सेल साइकिल जो यहाँ पे G1 फेज में स्टॉप हो जाएगी एंड इट्स ऑल्सो इंड्यूस द DNA रिपेयर जीन्स, सो DNA रिपेयर जीन्स का फंक्शन होगा DNA का रिपेयर करना, सो इफ द माइनर डैमेज DNA रिपेयर हो जाएगा एंड देर इज एंड देन इज अ साइकिल कंटिन्यू, बट इफ देर इज अ DNA रिपेयर फेल्स सो यहाँ पे सेल का एपोप्टोसिस होगा बाय द बैक जीन्स। ओके, सो ये नॉर्मल P53 जीन्स का फंक्शन है। सो एंड द कैंसर सेल में क्या होता, देखे तो कैंसर सेल में होगा कि जो when there is a DNA damage, so there is a mutation in the P53, so and cell with the loss of P53, okay, so यहाँ पर जो cell cycle arrest होना चाहिए जो G1 phase में arrest नहीं हो सकता है, so there is a no cell cycle arrest, no cell DNA repair, so उस cell को हम कहते हैं mutant cells, और जो उसमें जो DNA present होता है उसे हम कहते हैं mutant DNA, so there is a हाई लेवल ऑफ म्यूटेंट DNA इन द म्यूटेंट सेल एंड यहाँ पे जो सेल साइकिल अरेस्ट नहीं होता एंड देर इज अ कंटिन्यू सेल साइकिल विद द म्यूटेंट सेल्स एंड इट्स विल लीड टू द मेलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, सो नॉर्मल P53 जीन्स का फंक्शन है सेल साइकिल रेगुलेशन, एपोप्टोसिस। ओके, देखिए तो एंड इट्स इनिबिट द माइटोटिक एक्टिविटी, सो नॉर्मल P53 जीन्स क्या करेगा वो सेल साइकिल को व्हेन देयर इज अ DNA डैमेज इट्स प्रिवेंट्स इट अरेस्ट सेल साइकिल एट द G1 फेज एंड प्रिवेंट्स इनटू सेल एंट्री इनटू द S फेज, लेकिन यहाँ पे व्हेन देयर इज अ DNA डैमेज वो क्या करेगा यहाँ पे P53 का म्यूटेशन हो जाने की वजह से एंड देर इज अ लॉस ऑफ P53 जीन्स, सो देर इज अ नो सेल साइकिल अरेस्ट, नो DNA रिपेयर, सो यहाँ पे जो म्यूटेंट DNA का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे G1 फेज में सेल साइकिल अरेस्ट नहीं होता, इसलिए हाई देयर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, सो उसके एसोसिएटेड ट्यूमर क्या है,
P53 इनके म्यूटेशन के एसोसिएट ट्यूमर में आएगा, कार्सिनोमा ऑफ लंग, कोलोन, ब्रेस्ट, हेड एंड नेक. सो फर्स्ट देर इज अ लॉस ऑफ ब्लॉक इन माइटोटिक एक्टिविटी एंड द लॉस ऑफ प्रमोशन इन द एपोप्टोसिस. इट्स विल लीड टू द एसोसिएटेड ट्यूमर्स, लंग्स ट्यूमर, कोलोन, ब्रेस्ट, हेड एंड नेक ट्यूमर. ओके, सो ये हो गया पूरा का पूरा P53 जीन्स के बारे में. ओके, थैंक यू.